हेलो दोस्तों, आज मेरे पास महाराष्ट्र से एक बॉक्स आया सॉफ्टवेयर चढ़वाने के लिए, जो कि हमें भेजा है फकरीम भाई साहब ने रत्नागिरी महाराष्ट्र से। और इन्होंने वी जोन 888 का सेट टॉप बॉक्स भेजा है, GX6605S चिप कार्ड वाला। तो ये इन्होंने बॉक्स के ऊपर भी स्टिकर चिपका के भेजा है कि बॉक्स में क्या समस्या है। तो दोस्तों, इनके बॉक्स में कुछ गलत सॉफ्टवेयर है, जिसके कारण से इनका बॉक्स जो है 1-2 मिनट चलने के बाद हैंग हो रहा है। तो पहले मैं ये बॉक्स जो है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में ये वॉइस मेरी डाल रहा हूँ। तो मैंने इनका बॉक्स जो है फुल ओके कर दिया है सॉफ्टवेयर चढ़ा के, और चेक भी कर लिया है, बिल्कुल भी अटकने का, हैंगिंग का इश्यू बिल्कुल भी नहीं है अब। और मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपको क्या करना है इस कंडीशन में। अगर सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है तो आपको RS-232 फीमेल टू फीमेल लेना है, और ये USB to RS-232 मेल, और एक 3 पिन जैक डायरेक्ट आपको ये सब लेके जो है बॉक्स में लगा देना है। ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर वाला जैक है, और 1.2 वाला जो है मदरबोर्ड है। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर करने के लिए जो है पॉइंट दिया हुआ है इस कार्ड में, तो यहाँ पे आपको ये 3 पिन जैक लगा लेना है, और इस 3 पिन जैक में RS-232 फीमेल टू फीमेल अटैच कर देना है। उसके बाद फीमेल टू फीमेल RS-232 में USB कन्वर्टर लगाना है। उसके बाद USB कन्वर्टर का जो मुंह है उसको हमें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाना है। तो ये लगाने के बाद पीछे पावर का प्लग भी लगा देना है, बट प्लग को ऑन नहीं करना है। उसके बाद में आपको जो है GX डाउनलोडर का सॉफ्टवेयर खोल लेना है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो चिप टाइप में अदर रहेगा, बूट फाइल में GX6605 जेनेरिक फ्लैश बूट, कॉम पोर्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता है, अगर नहीं करे तो ले लेना मैनुअल। और सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना है, फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करना है, फिर स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब ये बोलेगा टर्न ऑन पावर ऑन, तो फिर आपको पावर दे देना है। प्लग चालू करते से ही ये सॉफ्टवेयर अपडेटिंग की प्रोसेस चालू कर देगा। और लगभग 10 मिनट के अंदर ये जो है सॉफ्टवेयर चढ़ा देगा। तो दोस्तों, ये भाई साहब के बॉक्स में समस्या ये थी कि 2 मिनट चलने के बाद में बॉक्स हैंग हो रहा था, और ये फुल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। कई बार हार्डवेयर की भी प्रॉब्लम रहती है, बट इस बॉक्स को मैंने फुल चेक किया है सॉफ्टवेयर करने के बाद, फुल ओके चल रहा है। यानी कि इनके बॉक्स में जो है हार्डवेयर की फॉल्ट नहीं थी, सॉफ्टवेयर की फॉल्ट थी। तो ये कुछ थोड़ी देर बाद इस टाइप से कंप्लीट का मैसेज आता है, और अब आपको जो है केबल वगैरह निकाल देना बॉक्स में से, और बंद करके चालू करना है। तो मैं ये केबल निकाल देता हूँ, और बॉक्स में भी रेड लाइट है तो इसको बंद करके चालू करता हूँ। ये मैंने बंद किया है, और ये 3 पिन जैक भी निकाल लेता हूँ। अब इसको चालू किया, और ये हमारा बॉक्स जो है चालू हो गया, चैनल नंबर भी आ गए। और दोस्तों, इस बॉक्स को मैंने फुल चेक करके भाई साहब को रिटर्न भेज दिया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।